हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टास्टिक। आज इन्फ्लेशन का पार्ट टू है, तो एक बार देख लेते हैं हमने पिछले लेक्चर उसमें क्या पढ़ा था। देखिए, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है, वो एक टी शर्ट लेके आती है, आपको वो टी शर्ट बहुत पसंद आई। आपने कहा कितने के लिए? उसने कहा 500 रुपये के। आपने कहा ठीक है, ये लो 500 रुपये और टी शर्ट मुझे दे दो। उसने आपको देने से मना कर दिया। आपने कहा ठीक है 700 ले लो, अब दे दो। उसने फिर भी मना कर दिया। आपने कहा ठीक है अब 800 ले लो। उसने कहा नहीं यार, मैं नहीं दे सकती, सॉरी, ये पैटर्न मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। आपने कहा ठीक है 900 ले लो। उसने फिर मना कर दिया। आपने लास्ट कहा कि 1000 ले लो, जस्ट डबल दे रहे हैं, और ये टी शर्ट मुझे दे दो। तो क्या हुआ, उसको भी मन में आ गया लालच कि यार 500 का 1000 मिल रहा है, इससे में तो दो आ जाएंगे। तो उसने क्या किया, आपको टी शर्ट दे दी। अब आपको बताना यह है इन्फ्लेशन कितना बढ़ा। आपने 500 की चीज़ 1000 में ली, तो इन्फ्लेशन क्या बढ़ा? देखिए, जिनके दिमाग में भी ये चल रहा हो ना कि इन्फ्लेशन 50% या 100% बढ़ गया है ना, तो मैं बता दूँ उनका जवाब है बिल्कुल गलत। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में प्राइस बढ़ना है, मार्केट में प्राइस बढ़ना है। मार्केट में तो आज भी वो टी शर्ट 500 रुपये की ही है। आप तो यारी दोस्ती में ठग गए, ठीक है? तो ये इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है? महंगा का आपको मिलना और महंगाई होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको ज़रा हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है? आगे देख लेते हैं क्या है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? हमारा इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट है, नाम से भी लग रहा है। तो वही इसका है, ट्रेंड ऑफ डिक्रीज इन प्राइसेस। कोई चीज़ 100 की थी, फिर 90 की हो गई, फिर 80 की हो गई। अब ये क्या है, अगर आपसे पूछे कि मैं पूछती हूँ आपके लिए इन्फ्लेशन ज़्यादा प्रॉब्लम डायक है या फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, काफ़ी लोग सोचेंगे महंगाई हमारे लिए ज़्यादा ख़राब है ना? ऐसे ही आएगा ना आपके मन में। देखिए, इन्फ्लेशन फेवर करता है हमारे कैपिटलिस्ट वर्क को, जो हमारे रिच हैं, जो हमारे बिजनेस मैन हैं, उनको फेवर करता है, ठीक है? इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था कि आप मान लीजिए आज से 5 साल पहले कोई 100 रुपये का नोट लेके 5 कमोडिटीज़ खरीद के लाते थे, ठीक है? क्या 5 साल बाद आज भी आप उस 100 रुपये में वो 5 चीज़ें लेकर आ सकते हैं? नहीं ला पाएंगे, या तो क्वांटिटी सेम नहीं होगी, है ना? क्या हुआ, क्यों इन साल इतने 5 साल में क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। आप 5 की जगह कितनी चीज़ ला पा रहे होंगे 100 रुपये में? 4, 3, 2, है ना? तो ये क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। लेकिन इन्फ्लेशन जब आया तो क्या हुआ, हमारी जो बिज़नेस क्लास थी उसने क्या किया, उसको लगा कि डिमांड बढ़ी है, तो उसने क्या किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, है ना? तो ये क्या है, इन्फ्लेशन रिच क्लास के लिए अच्छा है। आपने तो 5 की चीज़ें जगह 4 ली, इससे उनको इतना कोई फ़र्क नहीं आ रहा, है ना? अब डिफ्लेशन में क्या है, अपोजिट है। डिफ्लेशन में क्या हुआ, मार्केट में मंदी आ गई। जब मार्केट में मंदी आ गई, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बंद हो गया। प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ कि जैसे आपने सुना होगा कि मारुति ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। प्रोडक्शन क्यों बंद कर दिया, लोगों पे पैसा ही नहीं बचा, है ना? उनके पास ऑलरेडी उनकी गाड़ियों का पुराना स्टॉक इतना है, वो नया मॉडल निकाल के क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, नया प्रोडक्शन बंद कर दिया। अब जब नया प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो वो एम्प्लॉयज़ का करेंगे क्या उतने का? तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज़ भी निकाल दिए। तो डिफ्लेशन में क्या, अब पहले इन्फ्लेशन में आप 5 की जगह 4 चीज़ें तो खरीद रहे थे ना, अब डिफ्लेशन में आपके पास जब पैसा ही नहीं है तो आप 4 भी नहीं खरीद पाओगे। तो डिफ्लेशन सिचुएशन हमारे लिए ज़्यादा ख़राब है एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। और इसको जो RBI हमारी मॉनिटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है, उसके थ्रू भी कंट्रोल कर पाना बहुत टफ है। इन्फ्लेशन मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, वैन रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस, मतलब महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन जो दर है वो क्या हुआ, कम हो गई। जैसे कोई चीज़ 100 की थी,
अब क्या हुआ, 110 की हो गई, तो क्या हुआ यहाँ 10% बढ़ रहा है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद 110 की चीज़ 120 में हो गई, तो यहाँ क्या हुआ 10% से भी कम बढ़ रहा है ना, 10% से भी कम बढ़ रहा है ना, 9 point something बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, महंगाई तो है लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कम है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस इन्फ्लेशन। ओके, आई होप आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।